हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, मोदी अनवेल्स लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज मैरीटाइम इकोनॉमी। देखते हैं क्या है इसमें, हमारे इंडियाज मैरीटाइम इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे अनवेल दी अमृतकाल विजन 2047, अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। तो यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाइल इनॉग्रेटिंग ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इन मुंबई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, द ब्लूप्रिंट आउटलाइन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एम्ड एट इन्हेंस्ड पोर्ट फैसिलिटीज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोलैबोरेशंस। अंडरस्कोरिंग द रोल ऑफ सी रूट इन ग्लोबल ट्रेड, ही एम्फसाइज द नीड फॉर रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन इन द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। मिस्टर मोदी रिएटेड दैट इन्वेस्टर्स हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। इन द लास्ट डेकेड द कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट इन इंडिया हैज डबल एंड द टर्न अराउंड टाइम फॉर बिग वेसल्स हैज कम डाउन टू लेस देन 24 आवर कंपेयर टू 42 आवर। मिस्टर मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन ₹23,000 करोड़ दैट अलाइन विथ इंडियाज मेरीटाइम ब्लू इकॉनमी। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्लू इकॉनमी। ब्लू इकॉनमी का मतलब क्या होता है। दूसरा, हम लोग देखें यहाँ पर तो ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट, ग्लोबल मेरीटाइम समिट, ठीक है, इसमें देखना होगा हमें क्या क्या बात हुई है। और ये ब्लूप्रिंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म है, अमृतकाल विजन है 2047 तक का। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आप सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, ठीक है, इन्हेंस्ड पोर्ट फैसिलिटीज़ है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन है। तो इनिशिएटिव अगर हम लोग देखें में क्या क्या, सबसे पहले पोर्ट फैसिलिटी को इन्हेंस किया जा रहा है। सेकंड में हम लोग देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। थर्ड हम लोग देखें ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है, ग्लोबल कोलैबोरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा है, मेजर पोर्ट्स इंडिया में कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और इंडिया में जो उसका कैपेसिटी है डबल हुआ है, ठीक है, ×2 टाइम्स हो गया है कैपेसिटी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अराउंड टाइम 25 हो गया 42 आवर्स है, टर्न अराउंड टाइम हो गया है 42 आवर्स है, ये हो गया है 24 आवर, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप बताइए ये इन्वेस्टर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, क्या हम जाके अडानी पोर्ट कर दें। और अडानी पोर्ट से याद आया, रिसेंटली केरला में अडानी पोर्ट एक इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। आप मुझको उस पोर्ट का नाम बताइए जो प्राइवेट पोर्ट है अडानी साहब का। तो ये था आप लोगों के लिए क्वेश्चन आज का, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क।